वी हैव ऑलरेडी डायरेक्टर ऑनरेबल मिनिस्टर साहिबा ने भी हदायत दी है जहाँ पे भी इंतजाम करने हैं हमने किए हैं। वी हैव डायरेक्टेड अवर फील्ड स्टाफ टीचर्स एग्जामिनेशन सेंटर्स में हमें कहा गया, हमने कहा है कि हीटिंग अरेंजमेंट भी करे जहाँ जहाँ पॉसिबल है, जहाँ पॉसिबल नहीं है वहाँ कुछ हायर करके वो कर सकते हैं। एक्चुअली अगर आपने सुना होगा मेरा पहला इसके बारे में, दीज एग्जामिनेशन विल बी स्ट्रेस फ्री, चाइल्ड फ्रेंड स्टूडेंट फ्रेंडली एंड स्कूल बेस्ड एग्जाम्स। बच्चों को कोई घबराहट लेने की जरूरत है, दे विल बी फ्री एंड फेयर एग्जामिनेशन और कोई घबराने की जरूरत है, स्ट्रेस फ्री रहें। जब वो स्ट्रेस फ्री रहेंगे तभी वो एग्जाम अच्छी तरह से फेस कर पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। वी आर ऑल प्रिपेयर्ड, वी आर ऑल गियर्ड अप, मंडे से हमारे एग्जाम्स होने हैं, इंशाल्लाह वो अच्छी तरीके से हो जाएंगे। सर, जो डेट शीट आपने निकाला था, यूनिफॉर्म डेट शीट जो निकाला था, ग्राउंड जीरो पर वो नजर नहीं आया क्योंकि स्कूल्स ने खुद ही एग्जाम स्टार्ट ऑलरेडी कर दिए। नहीं किए हैं। 25 से एग्जाम्स होने हैं, 25 से एग्जाम्स हो रहे हैं। इंग्लिश का पेपर पहला है, वी हैव ऑलरेडी सर्कुलेटेड इंस्ट्रक्शंस। कहीं पे आज मुझे बताए आज कहाँ इंग्लिश का पेपर हो रहा है, कहीं नहीं हो रहा है। आई विल से यू विद अथॉरिटी एंड गारंटी। देखा होगा मोटर व्हीकल्स डिपार्टमेंट ट्रैफिक पुलिस ने भी ऐसी एडवाइजरीज निकाली है, जो हमारे बच्चे हैं जो हमारी डोमेन में आते हैं वो 12th तक होते हैं, वो नॉर्मली सब 18 के नीचे होते हैं, तो 18 से पहले किसी को ड्राइविंग लाइसेंस नहीं मिलती है। वी हैव डायरेक्टेड आवर इंस्टीट्यूशंस, हेड ऑफ इंस्टीट्यूशंस, डोंट अलाउ देम, क्योंकि फिर ऐसे वाकात हो जाते हैं जो वो बड़े पेनफुल एक्सीडेंट्स हो जाते हैं जिनकी वजह से हमारी सारी सोसाइटी को शर्मिंदा होना पड़ता है। वी हैव टू टेक कमांड, हमें एज पेरेंट एज गुड सिटीजन्स ऑफ दिस सोसाइटी, हम सबको मिलके इस मैनेज को खात्मा करना। पर नाउ नंबर उसके बाद हम देखेंगे मौसम कैसा साथ देता है, वी विल डिक्लेयर रिजल्ट्स। वी आर इंटेंडिंग दैट आवर क्लासिफिकेशन शुड गेट notified immediately after the results are declared. हाँ, अगर ऐसी हालात हो जाते हैं कुछ स्नो या ऐसे सब जीरो टेम्परेचर होता है, we will take a call. जो पिछले साल थे वो इस साल भी हैं, we are improving day by day. Thank you very much. सर कुछ schools में ये भी शिकायत है कि जो गर्मी के हालात हैं वो नहीं है बच्चों को। मैंने कहा आपको, जहाँ जहाँ है वहाँ हम कर रहे हैं, जहाँ नहीं है वी हैव डायरेक्टेड आवर एचओएस टू हायर, ऐसे कुछ बुखारें ले लीजिए ताकि बच्चे अच्छी तरह से। एक बात मैं आपको कहना चाहता हूँ कि हम अपने बच्चों को रेजिलिएंट बनाए, जिसका जब हम देते थे, आपने एग्जाम दिया, आपके एयर कंडीशनिंग थी जब आप एग्जाम दिया था, हम नहीं मरे ना सारे। वी हैव टू मेक आवर सेल्व्स रेजिलिएंट, बच्चों को वेदर वगैरह को फेस कैसे करना है तभी वो रेजिलिएंट बनेंगे, बहादुर बनेंगे। हाँ, जहाँ जहाँ पॉसिबल वहाँ हम करते हैं, जहाँ नहीं है वी विल पुट इन प्लेसेस जहाँ नहीं है, लेकिन एट द सेम टाइम हमारे बच्चे बहादुर भी बने। हमारे टाइम में ये फैसिलिटीज, आपके टाइम में फैसिलिटीज नहीं थे, लेकिन आज तो फैसिलिटीज है हर जगह, नहीं है आई एडमिट, हर जगह हमारे पास हीटिंग फैसिलिटीज नहीं है। थैंक यू।